नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि कल आपकी छत्तीसगढ़ बीएससी की जो अभी एग्ज़ाम हुई थी उसका अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुका है। तो आपको कैसे देखना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है DME CG, कैसे करना है ये वाली साइट आप लिख लो, DME रायपुर, ठीक है? इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ये आपका ओपन हो जाएगा। आपको अलॉटमेंट कैसे निकालना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये लिखा हुआ है नर्सिंग बीएससी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखो ये लिस्ट आ चुकी है, एक तो ये वाली अलॉटमेंट लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट एमएससी बीएससी की, ठीक है? तो आपको अपना अलॉटमेंट कैसे निकालना है ना, पहले तो ये लिस्ट है, जिसका जिसको कॉलेज मिला होगा उसको अलॉटमेंट निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है, देखो ये आपका ओपन हो गया। आपको इस पर क्लिक करना है, इस पे अलॉटमेंट लॉगिन, ठीक है? इसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालना है, आपके उसमें जो पासवर्ड है वो डालना है, यहाँ पर आपको कैप्चर डालना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है? और उसके बाद आपको साइन इन करना है, ठीक है? जैसे करोगे तो आपका अलॉटमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है? जिसमें आपका नाम, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है? तो आपको ऐसे अलॉटमेंट निकालना है। इसके अलावा देखो ये पूरी पीडीएफ आई है, क्योंकि अगर पीडीएफ देखोगे तो देखो पीडीएफ भी देख लो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। 29 अगस्त के दिन आई है, इस मोर पे आप क्लिक करोगे, ये मोर, जैसे मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको व्यू पीडीएफ करना है। व्यू पीडीएफ करोगे तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सारे नाम है इसमें, ये कितने पेज है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? और ये लिखा हुआ है और ये पूरे ये आ चुके हैं सबके नाम इसमें, एससी एसटी ओबीसी ये सब के आए हुए हैं। यहाँ पर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है? ये आप वहाँ से आप अलॉटमेंट निकाल के वहाँ से देख लो, या आप वहाँ से यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो जो जो भी जिन जिन का भी सिलेक्शन हो चुका है वो ज़रूर बताएं, अगर अपन यहाँ से अगर किसी ने तैयारी करी है तो वो इस नंबर पर बता सकते हैं कि सर हमारा हो चुका है और हमें कॉलेज मिल गया है, ठीक है? मतलब अलॉटमेंट मिल गया है तो अब कॉलेज एक या दो, वो भी जो भी तारीख दे रखी है, एक मिनट देख लेते हैं ना अपन कौन सी तारीख है। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये यहाँ पर जाना है आपको, ये लिखा हुआ है CGDME, मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9753749986 पर, ठीक है? चलिए आपको मैं देख लेता हूँ क्या क्या है, और चलिए आपको ऐसे ये ऐसे निकालना है। और आपको जो जो डॉक्यूमेंट ले जाना है वो तो आप सभी को बताए, 10th की मार्कशीट जो भी आपके उसमें सिलेबस के नीचे वहाँ लिखा होगा आवश्यक डॉक्यूमेंट है ना, तो उस पर देख लेना आपको क्या क्या ले जाना है, ठीक है? चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब सेकेंड लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने वाली, यहाँ पर लिखा होगा, देखो एक मिनट में देख लेता हूँ ना।